तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट तो है क्वांटम संख्याएं, ठीक है, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। ओके, तो पहले हम लेंगे क्वांटम संख्याएं। तो देखो बच्चों, क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे पूर्णांक हैं जिनका उपयोग परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने में, उसकी ऊर्जा बताने में, उसके चक्रण की दिशा बताने में, मींस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक संपूर्ण पता, एक कंप्लीट एड्रेस बताना है तो इन क्वांटम संख्याओं का यूज किया जाता है। ये चार प्रकार के पूर्णांक हैं जिससे हम एटम में इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः परिभाषित कर सकते हैं, समझ गए ना। तो यही मैंने लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा आदि का निर्धारण करने के लिए चार प्रकार के पूर्णांक प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, क्वांटम संख्याएं। ये चार प्रकार की होती हैं। पहला आता है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो देखो, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य इसलिए बोला गया है कि ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर है ना, उसकी ऊर्जा, उसके संवेग है ना, इसके अलावा परमाणु का आकार, कक्षक का आकार, कक्षा का आकार, इन सबको बताने के लिए किया जाता है, इसीलिए से बोला गया है मुख्य क्वांटम संख्या। समझ गए ना कि वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, कक्षा एवं कक्षक का आकार व्यक्त करती है, उसी को बोला गया है मुख्य क्वांटम संख्या। समझ गए ना। इसका मान की बात करें तो कोई भी पूर्णांक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 0 को छोड़कर बाकी किसी भी पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या में लेना है। मीन्स एक ऊर्जा स्तर हो सकता है, दूसरा ऊर्जा स्तर हो सकता है, तीसरा ऊर्जा स्तर होता है, इस तरह से। तो ये जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षा, कक्षक का आकार व्यक्त करती है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। अगर हमें इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं कि n परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मुख्य, ठीक है, ऊर्जा स्तरों को बताते हैं, समझ गए ना। आप देखोगे आगे कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं, उपकोष होते हैं, कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो n जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, मीन्स n को बताइए, और इसका मान होगा 1, 2, 3, 4 स्तर से। 1 का मतलब है पहला कक्षा, 2 का मतलब है दूसरी कक्षा, 3 का मतलब है तीसरी कक्षा, एक चीज। दूसरा है कि कक्षा में अगर हमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है तो फॉर्मूला होता है nh/2π, जहां n वही मुख्य क्वांटम संख्या है। इसके बाद आते हैं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला है 2n2। पहली कक्षा को बोलते हैं की कक्षा, जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो आएंगे 2। दूसरी कक्षा कहलाती है l, जिसके लिए n की वैल्यू 2 होती है और इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो आएंगे 8। तीसरी कक्षा जो है, जिसे m कक्षा बोलते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2n2 के अनुसार निकालो तो 18 आएंगे, और चौथी कक्षा में इस तरह से, जिसे n कक्षा बोलते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हमें किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हमें n का यूज करते हैं। परमाणु में जो ऊर्जा स्तर है, वृत्ताकार मार्ग है नाभिक के चारों, वही हम यहाँ पर n की वैल्यू को बताते हैं। तो कक्षा और कक्षक का आकार है या उसकी ऊर्जा अगर बतानी है सापेक्ष रूप से, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n। मतलब n का वैल्यू बढ़ेगा तो कक्षक का आकार बढ़ेगा, कक्षा का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। जैसे 1s से बड़ा है 2s, 2s से बड़ा है 3s, 3s से बड़ा है 4s, तो ये कक्षक आकार में,
भी बढ़े हैं और ऊर्जा में भी इसी क्रम में बढ़ेंगे। तो ये जो इस तरह से हम बनाते हैं नाभिक के चारों तरफ ऐसे स्तर, यही है मुख्य क्वांटम संख्या। तो वह क्वांटम संख्या जो कि क्या बताती है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के प्रमुख है या मुख्य ऊर्जा स्तरों, वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। परमाणु का आकार बताना है तो एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो नए नए कोस बनेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, इस तरह। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया एन, है ना। फिर दूसरी क्वांटम संख्या है द्विवांशी क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या किसी भी कोस में उपकोष की उपस्थिति, कक्षकों की आकृति को दर्शाती, मतलब ये क्वांटम संख्या ये बताती है कि अगर कोई कोष है, मुख्य कक्षा है, तो उसमें छोटे छोटे उपकोष या ऊर्जा स्तर और होते हैं जिन्हें बोला गया है उपकोष। तो किसी मुख्य कोष में कितने उपकोष हैं और कक्षकों की आकृति कैसी होगी, इसी को व्यक्त करने के लिए दी गई है द्विगांशी क्वांटम संख्या। कक्षकों की आकृति क्या होती है, कैसे डिसाइड की गई है, ये आगे हम वीडियो में देखेंगे, उसमें हम कक्षकों की आकृति के बारे में आएंगे। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि द्विगांशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी मुख्य कोष में उपकोष की स्थिति, कोषों की संख्या, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि है कोष में उपकोषों की संख्या, ठीक है, और कक्षकों की आकृति को दर्शाती है। अब आता है इसका मान, इसका जो सिंबल है स्मॉल एल है और उसका जो है मुख्य क्वांटम संख्या का एन था, तो एल का मान जो होंगे वो जीरो से स्टार्ट करेंगे और एन माइनस वन तक, और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक धनात्मक संख्या, समझ गए, मतलब जीरो से एन माइनस वन तक, मतलब एन का जो भी वैल्यू हो एक कम तक जाना है, और स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से। जैसे एन वन है तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। एन टू है तो एल की वैल्यू होगी जीरो एंड वन, एन की वैल्यू थ्री है तो होगा जीरो वन टू, और एन की वैल्यू फोर है तो एल है जीरो वन टू थ्री। मतलब किसी कोष में उतने ही उपकोष होंगे जितने के एल के उसके लिए या एन की जितनी वैल्यूज है। तो इस तरह से यहाँ पे और बता दूं कि कौन सा क्वांटम नंबर किसको शो करता है। अगर एल जीरो है तो इसे बोला जाएगा एस उपकोष, ठीक। एल की वैल्यू वन है तो ये कहलाता है पी उपकोष, एल की वैल्यू टू है तो ये है डी उपकोष, और एल की वैल्यू थ्री है तो ये है एफ उपकोष। तो वो क्वांटम संख्या जो कि किसी भी कोष में उपकोषों को व्यक्त करती है उसको बोला गया है द्विगांशी क्वांटम संख्या। किसी भी कोष में उपकोष की संख्या उतनी ही निकलती है जितना एन का मान होता है, समझ गए ना। मतलब ये है कि उपकोष अगर आपसे पूछ ले उपकोष की संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये होगी एन के बराबर। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी मुख्य कोष में उपकोष कितने होंगे, तो जितना एन, एन का मान वन था तो एक उपकोष था, एन का मान दो था तो दो उपकोष थे, एन का मान तीन है तो तीन उपकोष, एन का मान चार है तो उसमें चार उपकोष है। ये लिख भी दिया मैंने, एल जीरो है तो एस उपकोष, या यहाँ पर इस तरह से और अच्छे से साफ लिख दूं मैं, है ना। ये है, यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना है कि कोष में उपकोष की संख्या कितनी हो, ये होगी n के बराबर, समझ गए ना। आप देख रहे हैं n वन था तो l जीरो था तो s उपकोष, यही आया ना। फिर दूसरा है कि एन की वैल्यू टू रख दो तो एल की वैल्यू जीरो एंड वन, तो इसका मतलब इसमें एस और पी। फिर एन की वैल्यू थ्री रख दो तो एल की वैल्यू जीरो वन एंड टू, तो इसमें जो होंगे एस भी होगा पी भी होगा और डी। और एन की वैल्यू फोर रखोगे तो एल की वैल्यू जीरो वन टू और थ्री, मीन्स एस पी डी और एफ,
ये इस तरह से आप कोष निकाल सकते हैं, मतलब कोष में उपकोष, समझ गए ना, कि किसी भी कोष में उपकोष की संख्या उतनी ही निकलेगी जितना कि उस कोष के लिए एन का मान है। जैसे आपने देखा पहला कोष एक कक्षक, दूसरा कोष दो कक्षक, तीसरा कोष तीन कक्षक, मतलब तीन उपकोष कक्षक, सॉरी, एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू 0 मींस एक उपकोष, एन की वैल्यू 2 है तो दो उपकोष, एन की वैल्यू 3 थी तो तीन उपकोष, एन की वैल्यू 4 है तो चार उपकोष। पहले में एस बस रहेगा, दूसरे में एस पी रहेगा, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ, और अगर 5 रख दोगे तो एस पी डी एफ जी तक जाएगा। फिर एक होता है कक्षक कोणीय संवेग, जो एल से जुड़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला है म्यू एल इक्वल टू रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई की जगह एच क्रॉस भी यूज होता है, इसलिए यहां पर जो है मैंने एच क्रॉस लिख दिया है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल है, तो ये है फॉर्मूला। अब एस कक्षक के लिए अगर आप निकालो तो एल की वैल्यू 0 है तो म्यू एल 0 होगा, अब चाहे वो कोई भी एस हो, ठीक है, मतलब है 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, इन सब के लिए जो म्यू एल आएगा वो आएगा 0, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक इसी तरह से p के लिए l की वैल्यू है 1, तो म्यू एल हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई मीन्स रूट 2h अपॉन 2 पाई। तो चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, इन सब का म्यू एल सेम आएगा, के बाद ध्यान रखें। डी कक्षक के लिए निकालोगे तो एल की वैल्यू 2 होगी, तो म्यू हो जाएगा रूट 6, ठीक है, ये 3 × 2 रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। तो चाहे वो 3d हो, चाहे 4d हो, चाहे 5d हो, चाहे 6d, इन सब के लिए म्यू एल यही आएगा रूट 6 एच अपॉन 2 पाई, और इनमें देख रहे हैं आप रूट 2 एच अपॉन 2 पाई, मतलब एन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर कोस सेम है, चाहे किसी भी मुख्य कोस का को उपकोस हो, है ना, तो उपकोस समान, तो उसके लिए कक्षक कोणीय संवेग भी समान। 3d हो, चाहे 4d हो, चाहे 5d हो, चाहे 6d हो, इन सब के लिए म्यू एल लिखा जाएगा रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। एफ के लिए एन की वैल्यू 3 होती है तो यह आएगा रूट 12 एच अपॉन 2 पाई, और इन सब के लिए म्यू एल सेम होगा मींस रूट 12 एच अपॉन 2 पाई। ये तो कौन समझ गए ना कि वह क्वांटम संख्या जो कि कोस में उपकोस को बताती है, इसका मान याद रखना है 0 से n-1 तक, किसी भी कोस में उतने ही उपकोस होंगे जितना कि उस कोस के लिए वैल्यू है, मींस एन 1 था तो एक उपकोस, एन 2 है तो दो उपकोस, एन 3 है तो तीन उपकोस, एन 4 है तो चार उपकोस। कक्षक कोणीय संवेग निकालना है तो रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई से निकालोगे। कक्षक कोणीय संवेग एन पे डिपेंड नहीं करेगा, मींस चाहे उपकोस किसी भी कोस का हो, अगर सेम उपकोष है तो उनके लिए कक्षक कोणीय संवेग भी आप देख रहे हैं सेम आ रहे हैं ना। उपकोष की सापेक्ष ऊर्जा पहचाननी है तो ये फॉर्मूला लगेगा एन प्लस एल, और अगर एन प्लस एल समान हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, ठीक है, मतलब अगर आपको उपकोष की एनर्जी पहचाननी है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, तो 1s का मतलब हुआ 1 + 0 तो हो गया 1, ठीक है, ठीक इसी तरह से 2s लिखा है तो 2 + 0 मींस 2, ऐसे आप 2p के लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 मींस 3, और 3s के लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 + 0 मींस 3। तो एनर्जी में देखो 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा क्या होगी बच्चों 3p, थ्री नहीं सॉरी यहाँ पर आ जाए 2s, और यहाँ पर आ जाएगा तो 2s, फिर आ जाएगा 2p, फिर इससे ज्यादा हो जाएगा 3s, 3s से ज्यादा आ जाएगा 3p, इसी तरह से। तो ये है बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन तंत्र है तो ध्यान रखना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन तंत्र होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तंत्र परमाणु,
जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस या बेरिलियम 3 प्लस, तो वहाँ पर जो एनर्जी देखनी है वो केवल एन से देखनी है, मीन्स फर्स्ट एस से ज़्यादा 2s, 2s और 2p की बराबर होगी 3s, 3p और 3d, इस तरह से समझ गए ना। मतलब ये जो है उपकोषों की सापेक्ष ऊर्जा, ये बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र में है, बहु पर इलेक्ट्रॉन मतलब जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके लिए देखना है, एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, और अगर एन प्लस एल समान आ जाए तो एन से देखना है ना। जैसे मैंने ये बताया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p में आप एन प्लस एन का मतलब जो नंबर आगे लिखा है, और एस एल का मतलब होगा ये जो उपकोष है इनके लिए एल की वैल्यू क्या है। जैसे 1s के लिए 1 प्लस 0, एस के लिए 0 है तो 1 आ गया, 2s में 2 प्लस 0 मतलब 2 आ गया, 2p में 2 प्लस 1 मतलब 3 आ गया, 3s में 3 प्लस 0 3 आ गया, लेकिन यहाँ n की वैल्यू कम है इसलिए 2p की एनर्जी कम और 3s की एनर्जी ज्यादा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2 × 2l + 1, जहाँ l है द्विगांशी क्वांटम संख्या। जैसे s के लिए l की वैल्यू 0 रख दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे केवल, अगर p में जाए तो l की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, d में l की वैल्यू 2 रखोगे तो 10 आ जाएंगे, और f में l की वैल्यू 3 रखोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो मतलब उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l + 1, और अगर कक्षकों की संख्या निकालनी है तो 2l + 1, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आकृति की बात करूं तो s कक्षक गोलाकार होते हैं, हम इसके बारे में पूरी डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ केवल नाम बता दूं, p है डम्बलाकार, d है द्विडम्बलाकार, डबल डम्बल्ड, ठीक है, ये होंगे दो डंबल वाले, और F बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर मैंने वो सब लिख दिया, N की वैल्यू 1 है तो L 0, तो S उपकोष होता है, N की वैल्यू 2 है तो L की 0 और 1 S और P होंगे, वो जो ऊपर समझा दिया। यहाँ तक बात अच्छी तरह से समझिए आप। तो ये है हमारा किसके लिए बच्चों, उपकोषों के बारे में द्विगांशी क्वांटम संख्या, जो कि किसी भी कोष में क्या बताती है, उपकोषों की संख्या। तीन चार चीजें याद रखनी, एक तो किस कोष के लिए एल की वैल्यू क्या है, दूसरा है किसी भी कोष के जो कक्षक है उनका कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या है, और इस तरह से कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं किसी भी कोष में, ये उनकी सापेक्ष एनर्जी एन प्लस एल से जब बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र हो, और जब एन प्लस एल बराबर आ जाए तो एन से, और एक इलेक्ट्रॉन तंत्र में केवल और केवल एन की वैल्यू देखनी है, एन बड़ा तो एनर्जी ज्यादा, एन सेम तो एनर्जी सेम। कक्षकों की आकृति के बारे में, तो एस गोलाकार होता है, पी डम्बलाकार, डी द्विडम्बलाकार और एफ जटिल, इनके संरचना इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, तो ये वो क्वांटम संख्या है जो किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या को बताएगी। देखो जो कोष है वो उपकोष से बना है ना, अब उपकोष भी और छोटे कोष से बने हैं जिन्हें बोलते हैं कक्षक, तो उपकोष में कितने अधिकतम कक्षक होंगे एक उपकोष में, और उनके अभिविन्यास क्या होंगे, मतलब वो कक्षक किस डायरेक्शन में होंगे, थ्री डायमेंशनली वो कैसे अरेंज है, इसको बताने वाला क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे जीमान ने प्रस्तावित किया था स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन के आधार पर, कि जब चुंबकीय, ठीक है, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में जाती हैं तो और छोटी छोटी रेखाओं में विपाटित हो जाती हैं, तो उन्हीं का विपाटन बताया गया है चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर। इसीलिए हम कहेंगे कि ये किसी भी उपकोष में, ठीक है, कितने कोष हैं मतलब उनका कितना विपाटन हो सकता है इसको बताते हैं। तो तीन चीजें याद रखनी है, उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या और उनका अभिविन्यास और कौन से डायरेक्शन में किसका अभिविन्यास है, ये पॉइंट, ठीक है। मान की बात करें तो m के मान माइनस एल से स्टार्ट होंगे 0 और प्लस एल तक, और कई बार प्लस एल 0 टू माइनस 1, इसका कोई ऐसा नहीं है कि पहले माइनस ही लिखा जाए,
आप माइनस एल जीरो टू प्लस एल या प्लस एल जीरो टू माइनस एल इस तरह लिख सकते हैं। मीन्स कुल कक्षकों की संख्या आएगी 2l+1। ओके, मतलब एल की वैल्यू रख के हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने कितने कक्षक होंगे। देखो जैसे एस कक्षक में एल की वैल्यू जीरो रख दो इस फॉर्मूले में, तो केवल एक कक्षक आएगा जिसके लिए एम की वैल्यू जीरो होगी, और ये है एस उपकोष। मतलब एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक हो। पी के वैल्यू वन रख दें, पी कक्षक में एल की वैल्यू वन रखे तो एम के मान आएंगे जीरो, ठीक है, -1 जीरो और +1। तो हम कह सकते हैं कि ये है -1 जीरो, तो ये क्या है कक्षक +1, या इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है +1 0 to -1। फिर आते हैं डी कक्षक, तो एल की वैल्यू 2 होती है, एम के 5 मान होंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है माइनस एल से, मतलब -2 -1 0 +1 और +2। तो कुल मिला के डी जो कक्षक है, ठीक है, या डी उपकोष जो है, बल्कि कक्षक नहीं, हम यहाँ पर उपकोष टर्म करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी एस उपकोष, ठीक है, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। तो इस तरह से आपने देखा एस में एक कक्षक, इसमें एक कक्षक है ना, इसमें तीन लिख रहे हैं आपको, इसमें है 5 कक्षक और इसमें है 7 कक्षक। तो किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये अब कुछ चीजें ध्यान रखनी है, किसी भी कक्षक का निरूपण करने का एक सिंबल होता है sinLm, मतलब परमाणु में कक्षक का निरूपण करने के लिए केवल 3 क्वांटम संख्याएं आवश्यक है, लेकिन कक्षक में इलेक्ट्रॉन का भी दिखाना है तब फिर चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत होगी। तो हमें केवल एक कक्षक के लिए, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे, अगर कक्षक को बताना है तो केवल 3 क्वांटम संख्याएं ही जरूरी हैं, एन एल एम। ये पहली मुख्य क्वांटम संख्या है, दूसरी द्विगांशी है, तीसरी है एम चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो पहली सिंबलाइज कर दिया है। अब ध्यान रखें कुछ कक्षकों के लिए एम की वैल्यू फिक्स कर दी है या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बेस पर दिया गया है, ये आपको याद रखना होगा। एस के लिए एम की वैल्यू हमेशा जीरो रखी जाएगी, चाहे 1s हो चाहे 2s हो। या पी जेड के लिए एम की वैल्यू जीरो आएगी, चाहे वो 2pz हो या 3pz, एम पर डिपेंड नहीं करेगा। और dz² के लिए भी एम की वैल्यू क्या लेनी है, जीरो। बाकी dx²y² के लिए 2 है, dxy के लिए -2 है, dyz, dxz इनके लिए +1 कुछ भी हो सकती है, और txty के लिए भी +1 कुछ भी हो सकती है। ये z वाले जरूर याद रखने हैं, जहां z वहां 0, ऐसे याद रखने हैं, ठीक है। s के लिए तो हो गई, जितने z है उनके लिए 0। और फॉर्मूला है कक्षक का निरूपण करने का, जो सिंबल है वो sinLm। अब मान लो मैंने ऐसा लिख दिया साई 310, तो 3 पी और जेड, मैंने लिख दिया साई 320, तो आप लिखेंगे 3dz², ऐसे। तो इस तरह से हम कक्षक में निरूपित करते हैं। और ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। अब चाहे वो 2p कक्षक हो, चाहे d कक्षक हो, चाहे f कक्षक हो, कक्षक मतलब एक कक्षक, तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, और दोनों के चक्रण विपरीत रहते हैं। ये चक्रण क्वांटम संख्या में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब हम आ जाते हैं जो चौथी क्वांटम संख्या है, वो है चक्रण क्वांटम संख्या S। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण स्पिन से जुड़ी है, मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या और उनके चक्रण को व्यक्त करने वाली संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब अगर हमें किसी परमाणु में कक्षक के इलेक्ट्रॉन तक पूरी पोजीशन बतानी है तो हमें चारों क्वांटम संख्याओं की जरूरत होगी। केवल कक्षक तक बताना है तो 3 क्वांटम संख्याओं की जरूरत होगी, केवल उपकोष तक बताना है तो 2 क्वांटम संख्याओं की जरूरत होगी, और केवल मुख्य कोष बताना है तो केवल 1 क्वांटम संख्या की जरूरत होगी। इस तरह से इसका मान जो होता है, एम के किसी भी मान के लिए एस के मान होंगे +1/2 -1/2। +1/2 एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करता है, और -1/2 एंटी क्लॉक
ठीक है, क्लॉक इलेक्ट्रॉन चक्र को व्यक्त करता है, समझ गए ना। एम के किसी भी मान के लिए एस के दो मान होंगे। एम का मान मतलब चाहे जीरो हो, एम का मान चाहे माइनस वन हो, चाहे माइनस टू हो, प्लस टू हो, एस की वैल्यू हमेशा दो ही लिखी जाएंगी मैक्सिमम, प्लस वन और माइनस वन। प्लस वन इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त चक्रण और माइनस वन वामावर्त चक्रण को व्यक्त करता है। जैसे एन की वैल्यू वन रखे तो एल की वैल्यू आई जीरो, तो एम की वैल्यू जीरो, तो एस के दो मान हो गए प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। एन की वैल्यू रखी टू तो एल की वैल्यू आपने देखा जीरो और वन। पहले हम एल जीरो ले लें तो एम जीरो, तो एस की ये है दो वैल्यू, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। और एल की वैल्यू वन रखें तो एम के तीन मान हो गए, तो एस के छह इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के टोटल जो ठीक है इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन बड़ा ये है, मतलब है यहां पर मुख्य कोष दो में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे पहली कक्षा में अधिकतम दो, इस तरह से। यहां तक बात क्लियर है। अब आता है कि चारों क्वांटम नंबर्स के पॉसिबल सेट्स पूछे गए हैं, या पॉसिबल सेट पूछा गया हो, मतलब किसी, यहां पर लिख दूं मैं, ये है परमाणु, ठीक है, यहां पर परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए संभावित चारों क्वांटम संख्या का मान, तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला एन और एल में एन हमेशा एल से बड़ा होना चाहिए। बात क्लियर है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं तो आप पहचाने कैसे कि कौन सा पॉसिबल सेट है कौन सा नहीं। तो ये ध्यान रखना कि n और l में n बड़ा होना चाहिए, और जब आप l और m देख रहे हैं तो l और m बराबर भी होंगे, हो सकते हैं, और l की वैल्यू m से बड़ी हो सकती है लेकिन छोटी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, बड़ी हो सकती है l की वैल्यू m से, लेकिन m की वैल्यू l से बड़ी नहीं होगी। जिसमें ये दिखेगा वो सेट पॉसिबल नहीं है, जो इसको फॉलो करेगा वो पॉसिबल। जैसे मैंने लिखा n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू लिख दी मैंने जी 2, है ना, और m की वैल्यू है 0 s प्लस 1 बाई 2, तो ये पॉसिबल है क्योंकि l की वैल्यू n से छोटी है। अब यहां पर आ जाए l की वैल्यू m की वैल्यू में, अगर m की वैल्यू देखें तो m की वैल्यू l के बराबर हो सकती है या फिर l से छोटी, तो क्योंकि m 0 आ रहा है तो छोटी पॉसिबल है। n 3 l 3 m 0 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। तीसरा है n 4 l 2 m 3 s, ये है। तो अब यहां पर l और m बराबर हो सकते हैं या l से हमेशा m छोटा भी हो सकता है, लेकिन l से m बड़ा हो ये पॉसिबल नहीं है। और n 5 है, l 4 है, m 4 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, है पॉसिबल, सॉरी, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 4 है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि l और m बराबर भी हो सकते हैं, और s का चक्रण प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इस तरह हो सकता है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याएं पहचाननी है, उनका संभावित सेट। अब आता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं का निर्धारण कैसे करें, मतलब हमें पूरा बताना है कि परमाणु में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया गया है, पूछा गया है, और उसकी चारों क्वांटम संख्याएं निकाल के बतानी है। तो ध्यान से देखें कि अगर आपको पहले विन्यास लिखना है, अभी मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताऊंगा पूरा, तो अगर हमें किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम संख्याओं का निर्धारण करना है तो सबसे मेन है कि आप परमाणु में पहले उसका विन्यास लिख लें, और जितने भी रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, नियम हैं, उनके अनुसार इलेक्ट्रॉनों को रख दें कक्षकों में। फिर यहां से ध्यान से देखें कि जिस उपकोष में वो इलेक्ट्रॉन जो आपको दिया गया है वो किस उपकोष में है, उस उपकोष के आगे जो भी नंबर लिखा है वो एन बता देगा उसको, मुख्य क्वांटम संख्या। जिस उपकोष में वो इलेक्ट्रॉन है उससे हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे,
हमें कक्षक पता है कि किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, तो उस कक्षक के लिए एम की वैल्यू क्या है वो लिख देंगे, और फिर चक्रण देख के इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या निर्धारित कर देंगे। समझ गए ना कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाएगा कि जो हमें इलेक्ट्रॉन पूछा गया है चारों क्वांटम नंबर के लिए वो कहाँ पे है। पहले उसकी पोजिशन देख लें, कक्षक देख लें, उपकोष देख लें, फिर जिस उपकोष में है उसके आगे जो नंबर है वो एन, उपकोष में है जिसमें उसे एल, कक्षक किसमें है इलेक्ट्रॉन से एम, और उसके चक्रण से एस की वैल्यू निकाल। जैसे ये है पहला इलेक्ट्रॉन, है ना, ये कौन सा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा है थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैंने जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला तो एन की वैल्यू टू क्यों ली, क्योंकि पी उपकोष के आगे दो लिखा है। एल की वैल्यू वन क्यों ली, क्योंकि ये पी उपकोष में है और पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू वन। एम वैल्यू माइनस वन क्यों ली, क्योंकि ये माइनस वन वाले एम खंड में है और चक्रण प्लस वन बाई टू होगा क्योंकि वो दक्षिणावर्त। ठीक इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखो तो एन की वैल्यू टू आएगी, एल की वैल्यू वन आएगी, लेकिन एम की वैल्यू जीरो आ जाएगी क्योंकि जीरो एम कक्षक में है और एस की वैल्यू वन बाई टू। और एन की वैल्यू टू रखोगे एल की वैल्यू वन आ जाएगी, एम की वैल्यू प्लस वन और एस की वैल्यू प्लस वन बाई टू। इस तरह से आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। अभी मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताऊंगा। एक पर्टिकुलर आवर्त सारणी में हमें एटॉमिक नंबर पर्टिकुलर दे दिया जाए तो पूरा कॉन्फिगरेशन आप लिख सकते हैं। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण स्थिति व्यक्त करने के लिए हमें एस की आवश्यकता और होगी, मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्थिति व्यक्त करने के लिए यहां पर इन चारों क्वांटम एन एल एम और एस की आवश्यकता। तो ये है कुल मिला के क्वांटम नंबर्स। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखना बताऊंगा। तो यहां तक हो गए आज के लिए, बहुत इतना।